गाइस इधर हमने सांभर के लिए कुछ सब्जियां काट लिया है, लौकी, कद्दू, प्याज, हरी मिर्च, और यह है इमली, और यह है दाल, अरहर की दाल है, तूर की दाल जिसे बोलते हैं। तो चलिए इसे हम पहले कुकर में इधर चढ़ाते हैं और इसको अच्छे से सीटी लगा लेते हैं। इसमें हम हल्का सा टेस्ट के अनुसार नमक और हल्दी ऐड कर देंगे। जब तक हमारा उधर दाल पक रहा है तब तक इधर ये सबको, ये जो सब्जी है प्लस यहाँ टमाटर, ये मिर्च, ये आपका प्याज, और ये है यहाँ पे थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, राई है, और यहाँ पे करी पत्ता, और इसमें थोड़ा सा हींग, और इधर जीरा और थोड़ा मेथी। तो चलिए सबको फटाफट हम फ्राई करते हैं। जो देख लो अदरक और ये हरी मिर्च को हमने बारीक पीस लिया है कद्दूकस की मदद से। तो कड़ी पत्ता डालने के बाद हम इसमें से प्याज डालकर अच्छे से भून लेंगे। तो गाइस इस तरीके से सारे सब्जी टमाटर वगैरह डालकर हम बढ़िया से इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर अच्छे से फ्राई करने के बाद चलिए हम इसमें नमक ऐड करते हैं, थोड़ी सी बिल्कुल लाल खींची हुई मिर्च, जो हल्की सी लाल मिर्च का पाउडर है, इसको ऐड कर दिए। ये जो आप देख रहे हो ये सांभर मसाला है, ये थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, जैसे कि आप 2 चम्मच से करीब उसको ऐड कर दें। हम आपको इसका पैकेट भी दिखा देते हैं, ये देखिए MDH का सांभर मसाला है, इसको बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। ये जो इमली था इसका हम रस अलग से निकाल लेंगे और बीज जो है इसको अलग कर लेंगे। चलिए इसको हम जो इमली का रस है इसको हम ऐड कर देते हैं इसमें सब्जी में, और इसको भी थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गाइस इधर हमारा जो दाल हमने पकने के लिए डाला था ये भी सीटी खुल चुका है। तो इसके बाद जो हमारा ये है इसको हम इस दाल में ऐड करेंगे। इस दाल को जो हमने बॉईल किया है यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और ये हमारा सांभर बनके तैयार है। तो गाइस कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें।